प्लीज आप मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ के उसको लिए भी दुआओं में शामिल रखें। कल रसम जो करने के लिए आ रहे हैं ना, उसकी तैयारियां बस आज से शुरू हो गई। तो एक ऑप्शन ये हो गया जुलाइबा के पास, एक वो हो गया, दो वो अशर हो रहा है, शादी वाला घर लग रहा है। अब मैं सोचती हूँ कि हमारी अबू ने 8 बेटियां कैसे ब्याही होंगी, मेरे पास तो एक है। Yeah, we can experiment with this tomorrow. Yeah, and we have... आज है दावत की तैयारियां, जहर लगे हुए वहां पे, और यहाँ पे मुझे ये देखे सारा सफाई करनी, क्योंकि ये झाड़े हुए एक अरसा हो गया इसको, जब से मैं आई हूँ जब से इसको झाड़ा नहीं टेबल को, इसको झाड़ पोंछ करेंगे, सफाइयां करेंगे, मेरी हेल्प भी आई हुई है आज, तो उसके साथ लग के सारा कुछ ये काम करेंगे आज। ऊपर वो सफाइयां कर रही हैं, नीचे मैंने शुरू कर दी हैं। ये सब चीजें हटेंगी ताकि टेबल क्लॉथ को झाड़ा जाए। लग रहा है ये थोड़ा कैमरा टेढ़ा है, इसको सीधा करें, इसको जा रही हूँ झाड़ ले पूरे बाहर, ताकि अंदर मिट्टी धूल ना उड़े, बाहर झाड़ के फिर मैं वापस आऊँ। सो लगते हाथ टेबल भी साफ कर लें, क्योंकि कोई धूल मिट्टी रह गई हो तो वो भी लगते हाथ ही साफ हो जाए। अच्छा जी, तो ये होगी सफाई। आपने अच्छा लिए मेरी खूबसूरत थी ये, यहाँ पे बहुत महंगी मुझे मिली थी, मैंने इस दफा सोचा भी था कि पाकिस्तान से लेके आऊंगी, और पता नहीं है मेरा इस दफा बीमारियों में टाइम ही गुजर गया। ये दावते जब होती है ना घर में तो लगता है कि बहुत आसानी से होगी, लेकिन ये 3 दिन से काम घर में चल रहे हैं और घर के सिमटने में नहीं आ रहा, और मैं जैद और मेरी हेल्प लाइबा भी कल आ गई थी रात को वापस न्यूयॉर्क से, वो उजैर सभी हेल्प कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं खत्म हो रहा, और सना भी, सना उसामा अपनी जगह से जो कर सकते हैं, सना उजैर मेरे साथ शॉपिंग के लिए जाती है या बताती रहती है आंटी यूँ नहीं कर रहे, इसको यूँ रख लें, ये कर लें, वो कर लें, तो बस देखेंगे हमारी ये सेटिंग आज पूरी होती है कि नहीं होती, और फिर सना को पसंद आती है कि नहीं आती। बस अब ये मैं इसकी डेकोरेशन जिस पे रख दूंगी वापस, ये जाएगी मेरी सेंटर में यहाँ पे, और ये चरण व्हाई यू डूइंग दैट, ओके यहाँ पे यू गया, और पूरा ऐसे गया ये वाला, सो ऑलरेडी खूबसूरत सा नज़र आने लग गया, देखे आप डाइनिंग रूम, और ये सेंटर में जाएगी। कैंडल्स इस दफ़ा तो मैंने सारा से कहा कैंडल जला दो भाई, इनको रखा क्यों हुआ है, इनको बर्न करो, फ़ायदा क्या इनका अगर इनको जलाया नहीं तो। सो देखें कितना खूबसूरत सा ये सेटअप हो गया हमारा, बस अब प्लेट्स वगैरह लगेंगी, झाड़ पोंछ होगी, झाड़ू पोंछे का काम मेरा नहीं है, वो करके उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ की सेटिंग। मैं और जैद कल से ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उदास भी हो रहे हैं, क्योंकि उदासी भी आपको पता है कि हमारी नेचुरल है, मैं तो कई दफ़ा कल से आंसू टीयर्स भी आ चुके हैं मेरे आँखों में, और बेटियाँ जब जाने का टाइम होता है तो बंदा बहुत दुखी हो जाता है, अभी तो जाने का दूर दूर तक नाम नहीं है, लेकिन ये मैं क्लिप, आप परेशान नहीं हो, ये मैं बना के रख रही हूँ, सेव करके रख रही हूँ, सेव करके फ्यूचर के लिए रख रही हूँ। दुखी खाम खा दुखी क्यों है ना, दुखी नहीं बस ऐसे खुशी की साइकिल है, अल्लाह का निशान है ये, पर ऐसे वो दिल भर रहा है बार बार रात को, दिल चाहता है कि मैं रोऊं बैठ के, बिला वजह रोने को दिल चाह रहा है। तो ये फूलों को कल से हम अलाइव रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पे अभी भी मुझे स्प्रे कर रहे हैं, पानी का स्प्रे करूँ सबसे पहले इसको। सो बेटियां तो माशाल्लाह बेटियां बहनें सबकी एक जैसी होती हैं, तो प्लीज़ आप मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ के उसको लिए भी दुआओं में शामिल रखें। आप सबकी बेटियों बहनों के लिए मेरी और जैद की बहुत बहुत दुआएं, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। नसीब एक वो चीज़ है जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटियों के लिए नहीं लिख सकते, तो अल्लाह ताला उसकी किस्मत और नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन सुमा आमीन। ताला काम होते हैं तो घर में ही दर्जी, घर में ही सब कुछ बनना पड़ता है। वैसे तो कड़ा काम है जरा, तू नहीं कर सकती काम तो, मैं सब कर लेती हूँ, लोग तो मुझे कहते हैं, लेकिन मेरा मकसद, मैं तो चलो मैकेनिकल उसकी फील्ड का भी हूँ, लेकिन ये तो आपने कभी किया नहीं, नहीं ये
मेरी एक्चुअली दोस्त करती होती है लेकिन इतना टाइम ही नहीं है। मुना माहिर है, मुना की बात कर रही है। हाँ मुना की बात कर रही हूँ, वो तो एक्सपर्ट है। इतना वो हो गया रश रश में कि मैं किसी को बुला भी नहीं। अगर बहुत बात सुनो, अगर बहुत जरूरी हुआ तो जाके मैं एजेक्ट से करवा के भी ले आते हैं। मैं क्या दोनों चलते हैं, अगर तुमसे नहीं हो तो ये भी कर सकते हैं, रात को बनवा के ले आते हैं उससे। पता नहीं अभी देखे, पहन के देखेगी लावा। हाँ इसमें कौन सी ऐसी बात है, देख लो पहले तो चेक कर लो। हाँ पहले चेक करके तो ये तो मतलब कहने का, ये थोड़ा लूज है या टाइट है, क्या क्या कर क्या रहे? टाइट था, इसको लूज कर रहे हैं। लूज कर रहे हैं इसको। क्या हो जाएगा? लाइबा का है। तो लाइबा की कल रसम जो करने के लिए आ रहे हैं ना, उसकी तैयारियां बस आज से शुरू हो गई हैं। अब थोड़ी सी हमने ये डेकोर का आपको दिखा दिया है, ये लग गया। अब वो सीढ़ियां को डेकोरेशन करनी है क्योंकि घर में ही कर रहे हैं, तो मैंने लाइबा का चीजें वीजें लेकर आओ, क्योंकि लाइबा तो थी नहीं यहाँ पे, न्यूयॉर्क थी, तो अभी रात को ही आई है। तो अब बस आज सारे काम आज ही होंगे सारे कुछ। अभी मैं और लाइबा जाएंगे डेकोरेशन खरीदने के लिए। आज का ये मैं आपको शो करने वाली हूँ कि लाइबा का एक ड्रेस तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, ये वाला पहनने के लिए, ये वाला जो मैंने अभी फिटिंग उसकी सही की है। हाँ, ये वाला सही। सना को और जैना को लाइबा ने दिखा दिया, सना को बहुत पसंद आया। थोड़ा और क्लोज अप करके भी दिखा सकते हो। तो ये वाला तो आप देख चुके हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके, लेकिन और ऑप्शन निकाले। हाँ, यहाँ से भी फुल आ रहा है, इस कोने से भी फुल ये निकाले। ये दुपट्टा वही है क्योंकि मुझे दुपट्टा भी सर पे लेने के लिए नहीं मिल रहा था। हाँ, यहाँ से फुल आ रहा है, ठीक। एक ये है सूट, ये भी नया है और इसकी काम देखे कितनी खूबसूरत है। और इसका ये रॉ सिल्क पे बना हुआ है और ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी जैसे कहते हैं ना, खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी। और ये टसल्स जो नीचे लगे हुए हैं, इतनी खूबसूरत बारीक बारीक सी एम्ब्रॉयडरी है की हुई ये पूरे उसमें। ये देखें तो ये वाला जोड़ा भी ऑप्शन है, इसके साथ दुपट्टा ये वाला। ये देखें दुपट्टा इसका कितना खूबसूरत, ये देखें इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे मेहंदी से कलर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ भी शरारा है, जैसे उस वाले के साथ, पिंक वाले के साथ, हॉट पिंक की शरारा है इसके साथ। ये देखें ये देखें इस पर एम्ब्रॉयडरी कितनी खूबसूरत सी है, ये आपको नजर आ रही होगी। तो एक ऑप्शन ये हो गया, तो लाइबा के पास एक वो हो गया, दो और ये तीसरा ऑप्शन जो एथनिक का मैं लेकर आई थी लास्ट टाइम, और ये है इसमें गरारा है और क्या कहते हैं ये, अब क्योंकि जेना आएगी और वो ना मुझे काम करने दे। आप शादी वाले हमारे घर में वो अशर हो रहा है, शादी वाला घर लग रहा है। तो ये एक सूट है लाइबा के पास और इसमें पर्पल कलर का भी है, आपको पता है मैंने ये आपको पहले भी दिखाए हुए। और ये भी बड़ा खूबसूरत सा है, इस पर बहुत नफीस से, आपको पता है एथनिक के कपड़े तो अच्छे होते ही हैं। और इसका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसका गरारा जो है वो तो बहुत ही खूबसूरत है, ये देखें इस तरह। सो ये ऑप्शन है लाइबा के पास, अब आएगी वो चूज करेगी और फिर उसके बाद मैं फाइनल करके इनको इस्त्री वगैरह करने रखूंगी। आप बताएं कि आपको कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद आया है, जो कि लाइबा ने ट्राई किया होता या पहना होता। लाइबा के पास और भी ऑप्शन है जो कि नए मैं लेकर आई हूँ, लेकिन वो उसको इतने पसंद नहीं आ रहे। लाइबा को आपको पता है एकदम से यहाँ सिंपल पहनना होता है, यहाँ उसको होता है कि यहाँ बहुत फैंसी हो। और माशाल्लाह मेरी एक्साइटमेंट और घर वालों की एक्साइटमेंट इतनी अच्छी, मतलब वो हो रही है, सब भाई भी इतना खुश है। अभी तो सब हम खुश खुश हैं, और जहर के रात को ऐसा लग रहा था कि पूरी इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम बात करने लगते हैं मेरी आंखों में से पानी आता है। हालांकि लाइबा तो दूर जा भी नहीं रही, यहीं पे रहने वाली, पास ही मेरे, लेकिन अभी भी मेरी आंखों में से पानी आ जाता है। मेरी बेटी के लिए दुआ करें, आप सबकी बेटियों के लिए भी अल्लाह करे रिश्ते अच्छे हों, अच्छे सुकून से रहें, मोहब्बतों से रहें। ये रिश्ते अल्लाह ही, अल्लाह ताला ने आसमानों पे बनाए और वसीले बनते हैं बेटियों बहनों के लिए। तो बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। और आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मैं शेयर करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि हमारी अब्बू ने 8 बेटियाँ कैसे ब्याही होंगी, और मेरे पास तो एक है। और उसको जाते हुए मेरे दिल में अभी से हॉल और घबराहटें हो रही हैं, और ये जैद की घबराहट ये है कि जैद चीज़ें ही उठाते जा रहे हैं। जैद की घबराहट ये है पूरा घर हमारा। Yeah, we can experiment with this tomorrow. Yeah, and yeah. Have your hair, and then we can take your hair in the front with, okay, like, your bangs. And then Sunna was saying to get jewelry. Do you think I need a new jewelry? Yeah. Yeah.
मेरे तो काम ही नहीं बुकते। चलो फाइनल आपने वो क्लिप देख लिया, फाइनल आपका भी बनाती हूँ, सफर करें पहले मैं। तो फाइनल कपड़े डिसाइड हो गए कि वही कपड़े जो मैंने पहले आपको दिखाए थे वही सेना को भी पसंद आए, सना ने भी उस पर देखे क्योंकि सना जॉब पे है और हो नहीं सकती है, तो वो फेस टाइम पे हम उसको दिखाते जा रहे और वो फाइनल हो गए। अब ये सारे कपड़े मैं वापस हैंग करके रख रही हूँ, हमारे घरों का यहाँ पे जो है हशर हो जाता है ना कपड़ों समेटते समेटते, तो बस वो फाइनल हो गए। अब जेना और लायबा गए शॉपिंग के लिए क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं भी इसमें, एक्चुअली तो मुझे साथ जाना था पर मैंने कहा मैं घर के काम खत्म करवाऊँ और आप वो करूँ, तो ये फाइनल सारे पैक हो गए। ये सारे पैक करने सारे नीचे लेके जाने के, मेरा भी काम फाइनल हो रहा है, आपका तो होने दे काम फाइनल, मैं क्या करूँ हो रहा है। तो चले ये यहाँ तक का ब्लॉग था, अब नेक्स्ट ब्लॉग में कपड़े फाइनल हो गए। आपने अभी मेरे कपड़े तो देखे नहीं, मेरे कपड़े जो मैं पाकिस्तान से लाई थी वो पहनूंगी, जैद भी वो पहनेंगे, सब सलवार कमीज से पहनेंगे और जो अब होगी डेकोरेशन स्टार्ट घर की।